प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट। आजकल दौर चल रहा है बायोपिक्स का और संजू के बाद आ गई है सूरमा, जो कि बेस्ड है हॉकी के फॉर्मर कैप्टन संदीप सिंह के ऊपर। इसमें लीड रोल्स में दिख रहे हैं दिलजीत दोसांझ, अंगद बेदी और साथ में दिख रही हैं तापसी पन्नू। और आज है इस फिल्म का प्रेस शो, तो चलिए जानते हैं कि रिपोर्टर्स की क्या राय है इस फिल्म के बारे में। काफ़ी अच्छी तो नहीं थी, बट प्रिटी एवरेज फिल्म। एंड मतलब स्टोरी टेलिंग में कुछ कमी थी, डायरेक्शन में थोड़ी कमी थी, बट परफॉर्मेंस वाइज फिल्म बहुत अच्छी है। आउट ऑफ 5 कितने देती हैं आप? 2.5 स्टार्स देना चाहूँगी। एंड परफॉर्मेंस सबकी अच्छी थी। दिलजीत ने भी काफ़ी क्यूट लगे दोनों, दिलजीत और तापसी। अदर देन दैट दे हैव गिवन एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट। विजय राज वाज़ द शो स्टीलर, ही वाज़ अमेजिंग। एंड फिर उसके डायलॉग ही जो दो तीन ही थे पर वो बहुत अच्छे थे। आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा है, लेकिन उन सब के बजाय आज मैं हॉकी पर बेस्ड एक फिल्म देखने आया हूँ। संदीप सिंह की बायोपिक है ये सूरमा। आई रियली लाइक लव्ड इट। स्क्रिप्ट वाइज आई रियली लाइक द मूवी, ब्रिलियंट डायलॉग्स, स्क्रिप्ट इज इंट्रिगिंग और आप देखते रहेंगे, हंसते रहेंगे और इंटरेस्टेड रहेंगे नेक्स्ट सीन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आई रियली लाइक इट। संजू के बाद ये एक अच्छी फिल्म आई है बॉलीवुड में एंड आई एम रियली हैप्पी कि इस तरह की फिल्में आई हैं। और दिलजीत दोसांझ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। आई रियली लाइक इट। ओके, कितने स्टार्स देंगे 5 में से? आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4 स्टार। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको? अच्छी फिल्म, इंस्पायरिंग है। मतलब ऐसी फिल्में देखने के बाद 15-20 दिन तक तो बहुत जोश होता है। परफॉर्मेंस कैसी लगी दिलजीत? मेहनत लग रही है उन लोगों की सबकी। मतलब बोलते ना, एक एक्टर में जो मेहनत दिखनी चाहिए वो दिख रही है। एक्टिंग भी अच्छी की है दोनों ने, तापसी ने भी और रंजीत ने भी, बहुत अच्छी। बायोपिक है तो उस हिसाब से आपको कैसी लगी? बायोपिक है उस हिसाब से अच्छी बनाई है पिक्चर, दोनों नॉट बैड। ओके, कितने स्टार्स देंगे 5 में से? 3.5। थैंक यू सो मच। शाहद अली की अगर हम देखा जाए तो उनकी मेरी को मुझे ये सर्वश्रेष्ठ उनकी फिल्म लगी। काफ़ी अच्छी है, ग्रिपिंग है, एडिटिंग बहुत बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर अच्छे हैं, सॉन्ग्स अच्छे हैं और सबसे बढ़िया बात कि इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि विक्रम के जो विक्रम का जो कैरेक्टर है, संदीप सिंह के जो भाई थे, उन्होंने खुद ये पूरा डिज़ाइन किया है हॉकी को इस फिल्म में और वो एक छोटे से रोल में भी आए। जहाँ तक दिलजीत दोसांझ की बात है तो लगता है जैसे कि वो इस कैरेक्टर के लिए ही बने थे। बहुत बहुत बढ़िया उन्होंने उम्दा रोल निभाया। साथ में अंगद बेदी ने जो उनके बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले किया, बहुत बढ़िया था। और तापसी पन्नू तो एज यूजुअल बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इस फिल्म में भी उनका एक बहुत अलग सा रूप देखने को मिला। तो कुल मिला के फिल्म बहुत बढ़िया थी। बाकी भी जितने भी किरदार थे, ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं क्योंकि बायोपिक में ऐसा नहीं है कि आप उसको लार्जर देन लाइफ ज़बरदस्ती दिखाएं। शाद ने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई, कहीं भी उन्होंने बहुत उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं की, सिंपल वे में भी बहुत बढ़िया फिल्म है। मैं मूवी देखी है, बहुत अच्छी लगी है, लेकिन जो रियल लाइफ के अंदर जो कहानी है वो बिल्कुल वही बताया गया है। उसमें कहानी के अंदर बिल्कुल आगे पीछे बताया नहीं गया। और मैं तो ये बता रहा हूँ कि जिंदगी में किसी को कभी हार माननी नहीं चाहिए। ये मूवी के अंदर जो बता कहानी है वही सबसे एकदम बेस्ट है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लगी आपको? सबसे बेस्ट, एकदम बेस्ट, मतलब एकदम अगर कोई दूसरे रहते तो मैं नहीं बोलता था वो ये कर पाएंगे, लेकिन ये सही एकदम बराबर है, बहुत बेस्ट बताया। कितने स्टार्स देंगे? मैं तो 5 नहीं, 6 दूंगा। इतनी बेस्ट है, एकदम रियल लाइफ के ऊपर सही कहानी है एकदम। थैंक यू सो मच। तो ये थी रिपोर्टर्स की राय। अगर आपने देखी है सूरमा तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें बॉलीवुड नाउ पर।